बाद अब आप देखेंगे बलूचिस्तान की दुनिया, जिसमें शामिल है डेरा मुराद जमाली में बास्को सेंटर का कयाम, चमन रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को दरपेश मसाइल और नसीराबाद में चावलों की फसल के हवाले से चंद रिपोर्ट्स। कई अशरों पर मोहित फुटबॉल के सुनहरे दौर देखने वाला बिलाल मिनी स्टेडियम इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस खस्ता हाली का शिकार है। 1978 में उस वक्त के कमिश्नर काजी अमानुल्लाह के नाम से काजी फुटबॉल क्लब की बुनियाद डालकर बिलाल मिनी फुटबॉल स्टेडियम की चार दीवारी कायम की गई थी। इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से जहां इन खेलों का गुज़िश्ता 8 साल से इनेकाद नहीं हो सका, तो दूसरी जानिब जहां खेलों की सरगर्मियां महदूद होने की वजह से इसके इर्द गिर्द लैंड माफिया ने कब्जा करके इसके 8 दरवाजों को बंद कर दिया है। और उस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि इर्द गिर्द की आबादी ने अपने सेवरेज के गंदे पानी का रुख भी इसी स्टेडियम की तरफ करने की वजह से दीवारें खस्ता हाली का शिकार होकर मुनहदम होने के करीब हैं। सेवरेज का गंदा पानी हर वक्त खड़ा रहने की वजह से ये मैदान आज सीम और थोर का शिकार है, जो किसी वक्त सब्जे से हरा भरा हुआ करता था। आला हुकाम की जानिब से मुसलसल अदम तावन की वजह से खेलों का शोभा बुरी तरह मुतासर हो रहा है। नामसाइद और मुश्किल हालात के बावजूद कुछ नौजवान इस मैदान की रौनकें फिर से बहाल करने के लिए पुरअज़म है, जो इंतजामिया की तावन और खसूसी दिलचस्पी के बगैर मुमकिन नहीं। कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ ज़ाहिद अंजुम बलोच, दुनिया न्यूज़, जाफराबाद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बलूचिस्तान के सबसे बड़े सनती शहर हब में, जहाँ सनअतकारों की जानिब से मकामी अफराद को रोजगार फराहम ना किए जाने के खिलाफ एहतजाजों का सिलसिला जारी है। लसबेला के कराची से जुड़वा शहर हब को बलूचिस्तान का सबसे बड़ा सनती शहर होने का एजाज हासिल है, लेकिन सैकड़ों सनअतों के बावजूद मकामी अफराद को मुलाजमतें ना मिलने के खिलाफ अक्सर औकात यहां एहतजाज होते रहते हैं। अभी ये मामला गर्म ही है कि साकरान वेलफेयर एसोसिएशन, नेशनल पार्टी और JUI ने साकरान के इलाके में कायम सीमेंट बनाने वाले कारखाने के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और लसबेला प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताली कैंप कायम कर दिया, जिसमें मजकूरा पार्टियों के मकामी रहनुमाओं समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और मकामी अफराद को रोजगार की फराहमी का मुतालबा किया। ज़ीशान कंबो, दुनिया न्यूज, हब लसबेला। मैं हूँ चमन से मोहम्मद असलम शेजाई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर का सबसे बड़ा मिनी पेट्रोल पंप कहलाने वाला इलाके कालाज रोड पे। मुल्क भर में पेट्रोल मसनूआत की बढ़ती कीमतों से तो हर शहरी परेशान है, लेकिन बदकिस्मती से सुबह के दूसरे बड़े आबादी रखने वाले शहर चमन के आवाम पाकिस्तानी पेट्रोल मसनूआत से भी महरूम है। शहर भर में मौजूद सैकड़ों कानूनी और गैर कानूनी पेट्रोल पंपों में पाकिस्तानी पेट्रोल और डीजल होने के बजाय ईरान से स्मगल शुदा गैर मियारी पेट्रोल और डीजल दस्तियाब है। पांच महीने का स्मगल शुदा पेट्रोल और डीजल महंगे दामों पर फरोख्त करते हैं, लेकिन आवाम बैसे मजबूरी पेट्रोल 80 रुपए पे लीटर, डीजल 75 रुपए पे लीटर और मिट्टी का तेल 80 रुपए पे लीटर खरीदने पर मजबूर है। चमन पेट्रोल मसनूआत की जारी सूरतहाल से आला जिम्मेदार हुकाम बखूबी आगा भी है, लेकिन फिर भी आवाम उल्नास को मियारी और मुल्की पेट्रोलियम मसनूआत की फरामी में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मोहम्मद असलम चिकजई, दुनिया न्यूज, चमन। पेट्रोलियम की मसनूआत में हालिया इजाफे के बाद कोयटा में महंगाई की लहर ने लोगों को मजीद परेशान कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के ऐलान के बाद सूबाई दार हुकूमत कोयटा से कराची और दीगर इलाकों को जाने वाले ट्रांसपोर्ट के किराए और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों को चलने वाली लोकल बस मालकान ने किराए में 2 रुपए से लेकर 5 रुपए और अंदरून व बहरून सूबा जाने वाली कोचिज के किराए में 15 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का इजाफा कर दिया है, जबकि ट्रक मालकान मुंह मांगा किराया वसूल कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफे के बायस शहर में सब्जियों, फल, दाल, चावल, घी और आटे वगैरह की कीमतों में फी किलो 5 से 10 रुपए का इजाफा भी हो गया है। मुल्क में जारी महंगाई ने जहां आम आदमी की कुव्वत खरीद को बुरी तरह मुतासिर किया है, वहीं उनके मसाइल में भी इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज, कोयटा। सर्दियों की आमद के साथ ही कोयटा शहर में गर्म कपड़ों की मलबूसात की तलब में इजाफा हो जाता है, तहम मौजूदा साल महंगाई के सैलाब ने लोगों को इस्तेमाल शुदा अशिया खरीदने पर मजबूर कर दिया है। कोयटा की तवील सर्दियों का आगाज होते ही बाजार में गर्म मलबूसात की दीदाजेब वैरायटी जहां लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है, वहीं इनकी बढ़ती हुई कीमतों ने इन अशिया को दुकानों के शोकेसों तक ही महदूद कर दिया है और लोगों की बड़ी तादाद लुंडे बाजार का रुख कर रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक इन बाजारों में फरोख्त की जाने वाली अशिया को धुलाई के बाद काबिले इस्तेमाल बनाया जा सकता है और इनसे किसी किस्म की बीमारी का खदशा भी नहीं रहता। दूसरी जानिब इन बाजारों में रश की वजह से यहां फरोख्त की जाने वाली अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो गया है, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोग सर्दी से महफूज रहने के लिए इस सस्ते जरिए से भी महरूम हो रहे हैं। ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के पेशे नज़र सर्दी से बचाव के लिए इस्तेमाल शुदा मलबूसात का ये बाजार आवाम के लिए किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन सलमान फैसल के साथ सीमा कंवल, दुनिया न्यूज़, कोयटा।
ये तो थी बलोचिस्तान की दुनिया, और अब चलते हैं पंजाब की दुनिया में, जिसमें आप देखेंगे सियालकोट में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मछली की मांग में इजाफा, टोबा टेक सिंह में स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर तातुल का शिकार, झंग में नाबीना सेंटर का कयाम और शेखपुरा के स्कूलों में टेक्निकल लेबोरेटरियों के कयाम के हवाले से चंद रिपोर्ट्स। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही सियालकोट में मछली की मांग भी बढ़ गई है। मछली मौसम सरमा का लाजवाब तोहफा है, जिसे खाकर सर्दी की शिद्दत कम हो जाती है। सर्दी का सीजन शुरू होते ही मछली फरोशों की खुशी की इंतहा नहीं होती। सियालकोट उर्दू बाजार के मछली फरोशों का कहना है कि आम दिनों की निस्बत सर्दियों में मछली की मांग 3 गुना बढ़ जाती है, और मछली की इन अकसाम में सबसे ज्यादा महंगी मछली ट्राउट 1000 रुपए किलो, जबकि सबसे सस्ती मछली मल्ली है, जो कि 180 रुपए किलो बआसानी मिल जाती है। मछली खाने के शौकीन अफराद का कहना है कि मछली की खरीदारी, पकाना और उसको खाना भी किसी फन से कम नहीं। तिबी माहरीन का कहना है कि हफ्ते में मछली का 2 दफा इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुफीद है। कैमरामैन सैद इकबाल के साथ हाफिज इमरान, दुनिया न्यूज, सियालकोट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चोलिस्तानी टोबा जामसर के मकाम पर, जो तहसील खैरपुर टामेवाली के करीब ग्रेटर चोलिस्तान में वाकया है। इस टोबा की कुल आबादी 30 घरों पर मुश्तमिल है, जिनमें 3 खानदान बलोच, डाह और भुट्टा आबाद हैं। यहाँ पर बच्चों की तालीम के लिए ना तो कोई स्कूल है और ना ही कोई अस्पताल, जिसकी वजह से बीमार होने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है, जबकि मवेशियों के इलाज के लिए महकमा चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरी का अमला यहाँ आकर इलाज मुआलजा की सहूलियात फराहम करता है। ये टोबा जिला बहावल नगर की तहसील फोटाबास में आता है, जो कि यहाँ से 58 किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से थाना मरोड़ की पुलिस का साल में एक चक्कर भी मुश्किल से लगता है। यही वजह है कि इस टोबा के कुर्ब और जवार में जराइम पेशा अफराद और कब्जा ग्रुप का राज है, जो आए रोज उनके कीमती मवेशी चोरी करके तो उनकी कीमती जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। मकामी अफराद के मुताबिक इन अनासिर को बाअसर सियासी शख्सियात और अफसरान की हिमायत हासिल है। सदियों से आबाद यहाँ के मकीनों में बेहतरीन भाईचारे की फिजा पाई जाती है। वजीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने यहाँ के दौरे पर सोलर एनर्जी सिस्टम का इफ्तिताह करके यहाँ बिजली फराहम की थी, लेकिन इस मंसूबे के तहत मिलने वाले एनर्जी बल्ब और पंखे नाकिस क्वालिटी की वजह से वबाले जान बन चुके हैं। ये टोबा भी इन बदकिस्मत इलाकों में शामिल है, जहाँ इंसान और जानवर टोबे में जमा शुदा पानी पीने पर मजबूर है। हुकूमत अगर इस चोलिस्तानी टोबे पर तालीमी इदारों के साथ साथ सेहत की सहूलियात फराहम करे तो यहाँ पर खुशहाली लाई जा सकती है। कैमरामैन अली रजा के साथ मलिक अतर फारूक अमान, दुनिया न्यूज, टोबा जामसर, चोलिस्तान।